नमस्कार दोस्तों, पोर्नो एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक अलग ही वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि स्टडी टिप्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। हालांकि ये सब चीज़ें आपको पता है, लेकिन फिर मैं अपने तरीके से कुछ बता रहा हूँ। हालांकि इन सब चीज़ों को मैं फिर से कहूँ कि मैंने कई बार बताई हैं आपको, पढ़ाते समय बात करी है आपसे, लेकिन हाँ एक आइडिया आपको आ जाएगा कि अभी क्या है। और ये जो स्टडी टिप्स है ये 10th 11th 12th सभी के लिए काम की है, तो इसको आपको बड़े अच्छे से आपके फ़ायदे के लिए इसका उपयोग आपको करना है। एग्जैक्टली अभी मैं आपको क्या इसमें बताने वाला हूँ, बड़ी समझने वाली बात है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, जरा मैं इसको पूरी तरह से सेट कर लूँ। हाँ तो चलते हैं, हम एक काम करते हैं, प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं जहाँ मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन क्या बोलता है कि स्टडी टिप्स से बोर्ड एग्जाम के लिए, तो क्या 11th वाले यूज़ नहीं करेंगे? कर सकते 11th वाले भी, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल में स्टडी टिप्स का मतलब वीडियो देने का क्या कारण आया कि बहुत सा बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन उनको अच्छा आउटपुट नहीं मिलता, तो मुझे लगता है इसकी मदद से उनको आउटपुट अच्छा मिल जाएगा, ठीक है ना। और वो पूरे तन मन धन से लग जाएंगे पढ़ाई के अंदर, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी मौसम पढ़ाई का है। जैसे समर जैसे आता है तो बच्चों को छुट्टियों की याद आती है, तो वैसे जब विंटर आता है तो विंटर में पढ़ाई करना होती है। एक्चुअली ये तुम्हारी परीक्षा ही होती है कि ठंडी के दिनों में जल्दी उठ के पढ़ो, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अगर आपको पूछा जाए कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो, तो आप बताओगे कि सर मैं तो सुबह से पढ़ते ही रहता हूँ, मैं तो क्लास जाता हूँ, मैं तो स्कूल जाता हूँ, मैं तो ट्यूशन जाता हूँ। तो भैया वो पढ़ाई नहीं होती, असली पढ़ाई होती है सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी क्या होती है? जब आप खुद आपके हिसाब से किसी पर्टिकुलर चैप्टर्स को ख़त्म करते हो, जो आप खुद करते हो, खुद मतलब सर वो भी तो हम ही करते हैं ना। नहीं, इसका मतलब सेल्फ स्टडी का मतलब पर्टिकुलर टॉपिक आपने उठाया, बुक उठाई आपने, और फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के हिसाब से आपने पढ़ना शुरू कर दिया, उसको सेल्फ स्टडी कहेंगे। तो वैसे ही आपकी पढ़ाई होना चाहिए, और एग्ज़ाम के लिए सही तरीके से प्रिपरेशन आपका सेल्फ स्टडी में ही होता है, दूसरा और कोई तरीका नहीं होता। तो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं और खुद की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो फिर कितने घंटे पढ़ें? तो 6 घंटे इनफ होते हैं। पर सर 6 घंटे कैसे होगा? सर हम तो कॉलेज जाते हैं, हम तो क्लास जाते हैं। देखो सुबह सुबह के 2 घंटे आप निकाल सकते हो, सुबह 4 से 6 के निकाल सकते हो, या 10 से 12 के निकाल सकते हो, पहली बात, ठीक है। जिनको सुबह नहीं निकाल सकते वो शाम में निकालो, ठीक है। दोपहर में 1 घंटा या 1.5-2 घंटा मैथ्स कर सकते हो, और बाद का एक जो 2 घंटे उसमें आप रिविज़न कर सकते हो। अब इसमें आप अगर टाइम 4 घंटे भी कर लेते हो तो कोई बात नहीं, जब ज़्यादा समय होता है तो आप 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे, मतलब मैं सही बताऊँ तो अगर आपने शुरू से स्टडी करी है तो 2.5 से 3 घंटे रोज की स्टडी में आप बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन अब तो टाइम चले गया, तो 6 घंटे का टाइम बचा है, सुबह 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, शाम में 2 घंटे, सिक्सर मारो पढ़ाई का, डेफिनेटली आपको मदद करेगा। साइंस की लर्निंग कैसी करना है? साइंस लर्निंग में सबसे मेन बात होती है कॉन्सेप्ट, हमको फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, हर चीज़ में कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, कौन सी चीज़ हमको आंसर में मेंशन करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये अच्छे से कर लिया ना, तो आपको प्रॉब्लम इसमें आनी नहीं वाली, मतलब मेन फोकस आपको करना है आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। अच्छा, आंसर राइटिंग भी आपको आपके वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, बट उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि वही कभी, अब जैसे साइंस के अंदर सभी चीज़ आ जाती, फिजिक्स आ जाती, केमिस्ट्री आ जाती, बायोलॉजी आ जाती, तो इसी के लिए मैंने साइंस लिखा है कि कॉमनली वो दिखे सबको, ठीक है ना। तो यहाँ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम, चाहे आप न्यूटन्स लॉ कर रहे हो, है ना, या चाहे आप जो मैकेनिक्स का कोई कॉन्सेप्ट कर रहे हो, या चाहे आप बायोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट कर, तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं समझेगा तो कुछ नहीं समझेगा, ठीक है ना, ये बात। और आपको ऐसा नहीं, ऑनलाइन बहुत सारे लोग अच्छे से बताते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, अभी तो हमको करना है इसके ऊपर फोकस। अच्छा, एक और चीज़, मार्केट में कुछ क्या कहते हैं, क्वेश्चन बैंक, एक्विज अपेक्षित, ऐसे कुछ अलग अलग चीज़ें आ रही है, तो मुझे बच्चे पूछते हैं उसको लेना चाहिए क्या? बिल्कुल लेना चाहिए, उसका मदद आखिरी में बहुत होता है, क्योंकि जो आपके MCQs होते हैं, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, वो जनरली उसी में से आते हैं। मतलब आदमी को जो पास नहीं हो सकते उनके लिए तो वो रामबाण है, वो उतना कर लो भैया तुम पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन मेरे पास ऐसे बच्चे नहीं है कि जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, वो तो बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो उनको ये भी करना है। कभी कभी क्या होता है ना, बड़ी बड़ी चीज़ें आती है, छोटी छोटी चीज़ों में गलती हो जाती है। सोचो ना, जिस बच्चे ने सारे क्वेश्चन सही कर दिए और उसका एक MCQ गलत हो गया, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी कि यार चिंदी चीज़ में गलती कर दिया। तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट बहुत काम में आते हैं, ठीक है। सिंपल और इजी, बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप सिंपल इजी पॉइंट में बना लो और उस पॉइंट के हिसाब से लर्न करो, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आएगा नहीं। मतलब डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन का आपने जो आंसर है उसको आपने किस तरह से बनाया है, है ना। जो बच्चे UPSC MPSC की तैयारी करते हैं वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े आंसर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और वो ईजी वे में उसको लर्न करते हैं, ठीक है। और जितने न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में देखे रखे सॉल्ट, है ना, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, है ना,
तो इनको जो सॉल्व दिए वो सारे सॉल्व करो, एक्स्ट्रा इसके भी सॉल्व कर लो, ये दोनों चीज़ इतना ही कर लो, उसके ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो बुक वाले हैं, हमारा जो बोर्ड वाले हैं, वो बुक के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। और मेन बात होती है आपके सारे डाउट्स, आपका काम है कि आपके सारे डाउट्स जो है आपको अपने टीचर से पूछ लेना है, जितने भी डाउट्स आपके हैं वो सारे क्लियर करो, क्योंकि बिना क्लियर किए कुछ नहीं होता। डरना नहीं है हमको, सोचना नहीं कौन क्या सोचेगा, कुछ नहीं, कोई कुछ भी सोचे मुझे तो पक्का करना है। तो हर कॉन्सेप्ट अच्छा करो, सिलेबस अगर 100% है, सिलेबस 10 चैप्टर है तो 8 चैप्टर या 7 चैप्टर बहुत अच्छे होना चाहिए, 3 चैप्टर में आपने इंपॉर्टेंट भी कर लिया तो चलता है ना। और अगर आप आउट ऑफ लाने वाले बात हो तो अलग है, लेकिन जो बच्चे 11th 12th के उनको बता दूं मैं, आपका 70% सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि उसमें से, मतलब अगर 10 में से आपने 7 चैप्टर बहुत अच्छे कर लिए और 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट कर लिए तो भी चलता है, क्योंकि एक ना एक चैप्टर तो ऐसे ही होता है जो तकलीफ देता है, तो वो आपके ऊपर रहेगा। और जो 3 चैप्टर आपने ऐसे कर लिए, इसका मतलब क्या है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, जो PYQs उत्ते करो उसके, कि पिछले कुछ सालों में क्या क्या पूछा गया है, और उसी के ऊपर काम करो, ठीक है ना। फिर बात आती है मैथ्स की, तो मैथ्स तो ऐसा है ना कि मैथ्स को जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, लेकिन फिर क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या, नहीं। सॉरी, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना मैं बताता हूँ। जैसे आपको एक दिन में एक एक्सरसाइज करनी है, अब आप एक एक्सरसाइज कैसी करोगे, आपने जब एक्सरसाइज शुरू करी तो कुछ क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरे तीसरे क्वेश्चन सब एक जैसे, तो आपकी नोटबुक में देख के समझ लो कि यार इसके बाद ये स्टेप करना है, ये करना है, ये करना है, चेक करो कि हाँ ऐसे ही कराया क्या, ओके ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको लग रहा है यार बड़ा बेकार लग रहा है, तो उसको सॉल्व करके देख लो, पर कुछ क्वेश्चन देखते से ही बनते हैं, ऐसे इसमें ये करना है तो ये करना, तो ठीक है उसके एक या दो क्वेश्चन करो, बाकी के क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। रोज की एक एक्सरसाइज अभी भी शुरू करी ना तो अभी भी अच्छा रिजल्ट आप ला सकते हो मैथ्स में, ठीक है। 10th वालों का इशू नहीं है, 10th का सिलेबस बहुत छोटा सा है, 11th वालों का थोड़ा बड़ा है, लेकिन 12th का बहुत बड़ा है, तो 12th वाले इतने सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते रोज, तो उनको तो देख के करना है, ठीक है ना, उनको देख के करना है, कुछ जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं वो सॉल्व करके देखना है। और 12th के जो बच्चे हैं वो मेरे साथ कर ही रहे हैं, उनको टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, अपनी नोटबुक में देखो समझो और उसके बाद में आगे बढ़ जाओ, है ना। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके देखो, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ आस्क योर फ्रेंड्स, ठीक है। एक और चीज़ मैंने अभी जो बताया आपको कि आप जो क्वेश्चन बैंक को लेना है उसका क्या है, तो क्वेश्चन बैंक भी ऐसी करो कि दो पब्लिकेशन, जैसे हमारा कोई ना कोई तो दोस्त होता ही है, तो हमारे जो दोस्त होते हैं उनको ये बता दो कि यार देख मैं इस मैं ए कंपनी का ए पब्लिकेशन का ले रहा हूँ, तो बी पब्लिकेशन का ले ले, है ना, तो बी पब्लिकेशन का ले ले, मैं ए का ले लेता हूँ, तो मैं पहले इसको सॉल्व कर लूँगा, फिर मैं ये तेरे को दे दूँगा, तेरा वाला तू सॉल्व कर ले, फिर मुझे दे देना, तो उसमें तुमको एक नहीं तुम दो दो पब्लिकेशन से होकर गुजर जाओगे, तो तुमको जो बचे हुए क्वेश्चन है कोई इसके उसमें नहीं हो गया, उसके इसमें नहीं होगा, वो भी हो जाएंगे, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। लैंग्वेज का क्या है, तो लैंग्वेज बेटा देखो, लैंग्वेज के अंदर सब कुछ डिपेंड करता है आपके आंसर राइटिंग के ऊपर, आपके आंसर राइटिंग में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, काना मात्रा वेलांटी चुकी से नहीं होना चाहिए, और मेन बात यह है कि आपको चैप्टर्स जो दिए हैं, जो थ्योरी वाला पार्ट है वो पता भी होना चाहिए, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लो, उसको अंडरस्टैंड करो, और उसके बाद में अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखो, और अपनी लैंग्वेज में लिखते समय उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, आंसर राइटिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि देखो मार्क्स क्या होता है, मैथ्स में आपको पूरे मिल जाएंगे, साइंस में आपको पूरे मिल जाएंगे, लेकिन बच्चे लैंग्वेज में जाकर अटक जाते हैं, और स्पेशली वो मात्राओं के कारण या स्पेलिंग्स के कारण या फिर वो ग्रामर के कारण, तो वहाँ हमको थोड़ा टाइम दे देना है। देखो आप अगर 100 घंटे फिजिक्स को या 100 घंटे मैथ्स को देते हो ना, तो लैंग्वेज को आपको 10 ही घंटे देने की ज़रूरत है, सिर्फ 10 घंटे, उसके अंदर आप बहुत अच्छे बन जाओगे उसमें। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम अपनी भाषा इतना जाओ देना बगुन अंतर काय कर, ऐसे ऐसे चक्कर में हम रह जाते हैं, है ना, अपने अपना कर लेंगे बाद में, क्या है इसमें, लैंग्वेज सिंपल तो होती है, ये सिंपल वाला फील जो है ना हमारे मार्क्स कम करवा देता है, जबकि आप इसमें भी मार्क्स अच्छे ला सकते हो, ठीक है। तो ग्रामर के ऊपर भी काम कर लो, जो ग्रामर जनरली पूछा जाता है, सीन अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, डूज डायरेक्टेड में क्या क्या आ रहा है, हमको क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लो, ठीक है। और अपने फिर से वही बात है, जो डाउट्स है वो ज़रूर पूछो, क्योंकि अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो बात नहीं जमनेगी। और उसी के बाद अगर सोशल स्टडी की बात करें, तो सोशल स्टडी की स्टडी भी वैसी ही करना है कि आपको कॉन्सेप्ट्स करना है, मैंने सोशल स्टडी इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि सोशल स्टडी और लैंग्वेजेस की बातें सिमिलर ही होती है, है ना, आपको उधर सारा पढ़ना होता है, डेट्स को और उसको बड़े बड़े आंसर्स को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करना होता है, और आपका काम वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि क्या क्या है, तो यहाँ पर कुछ है कि अभी आपको सब भूल जाना है पीछे क्या हुआ, क्योंकि बार बार आपके दिमाग में एक ही आ रहा है, मैं कर नहीं पाया, मेरा कैसा होगा, उन चीज़ को भूल जाना है, ओके, पहली बात। दूसरी बात और क्या भूल जाना है, दुनियादारी भूल जाओ, फोकस करो पढ़ाई के ऊपर, हमको अब जो है अब सिर्फ और सिर्फ हमको अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है, हमको और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हमारे लिए अभी जो सब कुछ है वो हमारी स्टडी है और कुछ नहीं है, है ना। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, रिजल्ट के ऊपर सोचना ही नहीं है, हमको सीधे कर्म करना है,
है ना, कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना, फल अपने आप आ जाएगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर मिस्टेक्स करते हो तो अपनी मिस्टेक को सुधारो, फिर से रिविज़न करो, फिर से रिविज़न करो और रिविज़न करो, यही आपके लिए सही है। ठीक है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, एक्सरसाइज करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देर इज़ अ हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, अगर आपका बॉडी हेल्दी नहीं होगी तो आपके माइंड हेल्दी नहीं होगा, माइंड हेल्दी नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। खाना जो है थोड़ा सा लाइट खाओ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत पेट भर के मत खाओ, लगे तो दिन में 4 बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, क्योंकि उससे आपको पढ़ाई के बीच में ब्रेक भी लेते आएगा और आप फ्रेश भी फील करोगे, ठीक है ना। तो लाइट फूड लेते रहो और पढ़ते रहो, और 6 से 8 घंटे की नींद लो, और एग्ज़ाम टाइम में आप अगर 6 घंटे भी सोते हो, एग्ज़ाम टाइम में अगर आप 6 आवर्स भी सोते हो तो बहुत है, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो जनरली सभी को पता है, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको सब चीज़ें शॉर्ट में बताऊँ, बहुत ज़्यादा मुझे टाइम आपका लेना नहीं है, तो इसी के लिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं रुकूँ। बस मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई उसको फॉलो करो, उसके ऊपर फुल्ली फोकस करो, और फॉरगेट एवरीथिंग में स्टडी के ऊपर फोकस करना है, बाकी जो हमारा मोबाइल है उसको भी भूल जाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़िंदगी में बाद में मिलते रहेगी, मेन तो है आपकी पढ़ाई, आपकी पढ़ाई। सर आप इतना बोलते, फिर ये मार्क्स क्या काम में आएंगे सर, इससे क्या हो जाने वाला है। देखो भैया, 10th के जो मार्क्स है वो तो सिर्फ आपके 11th के एडमिशन तक ही काम में आते हैं, उसके बाद में 10th के मार्क्स कोई पूछता नहीं है। 12th के मार्क्स का इतना है कि आप अगर MST CET कर रहे हो या JEE कर रहे हो, तो MST CET कर रहे हो तो 50-50 में कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दे देगा। तो ये जो है ना, ये क्षणिक आपके मार्क्स काम के होते हैं, लेकिन हाँ अगर आप NDA में जाना चाहते हो या कुछ पर्टिकुलरली आप किसी मैनेजमेंट स्टडीज़ में जाना चाहते हो तो वहाँ पर आपके परसेंटेज मैटर करते हैं। तो अगर आपके आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो आपके रिजल्ट्स भी बड़े होना चाहिए, है ना, और अगर आपके ड्रीम्स बड़े नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, हम कुछ नहीं बोल सकते उसमें। तो यहाँ ध्यान रखो कि सब डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे बोलते हैं सर आप इतना पढ़ाई के लिए बोलते हो और इसका होता क्या है, तो वो भी मैं आपको बता दूँ इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ ये कि है कि आपने आज जो मेहनत करी है, मैं क्लियर बता दूँ तुमको कि तुम लोगों ने जितनी भी मेहनत करी है होती है, तुम जितनी भी मेहनत करते हो वो कहीं वेस्ट नहीं होती, मेहनत अपनी वाया जात नहीं। क्यों नहीं जाती? इसका कारण ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपने आज जो मेहनत करी है ना, आप अगली एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा ताकत से उतरते हो, उसकी अगला अगली एग्ज़ाम में आप उससे ज़्यादा ताकत से उतरते हो। तो इसमें आपका एक वो कंसिस्टेंसी और आपका ब्रेन एक तरह का वर्कआउट है ही, हर साल आप ये वर्कआउट करते हो और धीरे 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 आप उसमें स्ट्रांग होते चले जाते हो, और आप ये चीज़ एग्ज़ाम आपको सिखाती है कि कैसे प्रॉब्लम से लड़ना है, कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना है, कि लाइफ में तो लाइफ इज़ द नेम ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना, लाइफ इज़ नॉट द नेम ऑफ इन्जॉयमेंट। नहीं, इन्जॉयमेंट तो आप बहुत छोटे से टाइम के लिए करोगे, अगर 10%, अगर मैं बताऊँ आपको आपकी लाइफ का 10% मज़ा है, 10% आप इन्जॉय कर रहे हो, तो 90% तो आपको हार्डवर्क करना ही है। जब आप 90% हार्डवर्क करोगे ना, तब जाके 10% को सही तरीके से जी पाओगे। तो ज़िंदगी में ध्यान रखो, मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आप कहीं भी आपकी मेहनत रुकने नहीं वाली है, कहीं भी आपका हार्डवर्क रुकने नहीं वाला है। आप अभी पढ़ रहे हो, अभी यहाँ मेहनत करोगे, इंजीनियरिंग में जाओगे वहाँ मेहनत करोगे, जो भी पढ़ोगे उस पर मेहनत करोगे, जॉब करने जाओगे, बिजनेस करने जाओगे वहाँ मेहनत करोगे। तो मेहनत तो आपको करना है, हार्डवर्क आपको करना है, और स्मार्ट वे में करो ज़्यादा सही होगा, इसीलिए टिप्स दे के रखी है। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे वीडियोस आते रहे क्या वो भी बताते रहना। मैं अभी 60 दिन का एक प्लानिंग का मैंने बोला था बच्चों को, 12th के बच्चों को, लेकिन मैंने वो दिया नहीं है, वो मैं जल्दी ही वीडियो दूंगा, लेकिन उसको मैं अलग तरीके से दूंगा, उसको मैं अब कुछ डेज में उसमें करके डिवाइड नहीं करने वाला हूँ, उसमें भी कुछ कॉमन चीज़ें बताने वाला हूँ मैं, कुछ अलग चीज़ें होगी, कुछ अलग चीज़ें इधर देखे रखी है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखते रहे पवन भाई की अकेडमी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचा दो। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।